श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेन्द्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय सातवा श्री राम ते सूक्ष्म प्रवृत्ति कोडे जय स्तुराचिया आंगा घडे तै भृतसृष्टीची पडे तांक साद चतुर्विध ठसा उमटो लागे आपैसा मूला तरी सरसा परिथरची आनन होते चौऱ्याऐंशी लक्ष थरा एरामिते नोणीचे भांडारा भरे आदि शून्याचा गाभारा नाण्यांसे ऐसे एक तुके पांच भौतिक पडती बहुवस टाक मग तिये समृद्धीचे लेख प्रकृतीची धरी आखुनी नाणे विस्तारे पाठितयाचे आटनी करे माझी कर्मा कर्माची या व्यवहारे प्रवृत्ती दावी हे रूपक परी असो सांगो उघड जैसे परियेसो तरी नाम रूपाचा अतिसो प्रकृतीचा किजे पुंडले कवर दे श्री ज्ञान देवा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेन्द्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने सुना कि भगवान की जो परा और अपरा प्रकृति है उसका हमने विस्तार में उसका परिभाषा सुना कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब अपरा है और जो अदृश्य है वो परा है। अगर मैं ये पूरी बात को सिर्फ एक शब्द में कहना चाहूं तो ये जो दृश्य जगत है वो माया है और जो अदृश्य है वो ब्रह्म है। आज भगवान इस श्लोक में आज अर्जुन को ये बताएंगे कि अपरा और परा जो प्रकृति है उसको लेकर भगवान ने इस सृष्टि की कैसे रचना की। भगवान अर्जुन के सामने अब अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अर्जुन का मन अब इस लायक हो गया है कि मैं अपने परम ब्रह्म स्वरूप का उसको परिचय दूं, क्योंकि अब तक वो ध्यान योग के माध्यम से
कर्म योग के माध्यम से और ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन को ये समझा चुके हैं कि हे अर्जुन, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। तू युद्ध कर, आज रणभूमि में तू खड़ा है तो तेरा कर्म है युद्ध करना। लेकिन अर्जुन अब तक अनेक प्रश्न करके उनसे भागता रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब छठा अध्याय उन्होंने खत्म किया और जब उन्होंने सारी बातें बताई, तब अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण नहीं हुआ। और यहां पे अब भगवान बिना उसके प्रश्न के ही अब उसे अपने समग्र रूप का परिचय दे रहे हैं और अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो परा और अपरा, जो जीव और माया, यहां मैं ये पहले स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस संसार में सिर्फ तीन चीज ही है, परब्रह्म, जीव और माया। परम ब्रह्म वो कारणों का कारण है जिसको हम मास्टर माइंड बोल सकते हैं, और जीव और माया, जीव परमात्मा का अंश है। तुलसीदास जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो उन्हीं का अंश है इसलिए वो अविनाशी है, उसे आत्मा कहते हैं। और जो प्रकृति है वह परमात्मा की शक्ति है, और शक्ति भी कभी अपने शक्तिमान से दूर नहीं हो सकती। जीव और माया को लेकर परमात्मा ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, और वही बात अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना मेरी दो शक्तियों से हुआ है, मेरी दो प्रकृतियों से हुआ है, अपरा और परा। इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही मैंने चार तरह के प्राणी बनाए हैं, जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज। जरायुज जो शरीर से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, उद्भिज जो पृथ्वी से पैदा होते हैं, और स्वदेज जो पसीने से पैदा होते हैं। इस तरह के जो प्राणी हैं इनको मैंने बनाया है, और इनका महाकारण मैं ही हूं। ये सारी प्रकृति मुझ में ही उत्पन्न होती है, मुझ में ही रहती है और मुझ में ही विलय हो जाती है। लेकिन ये जो अष्टधा प्रकृति है जिसे जो पंचभूत और त्रिगुण, जिसे भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था, मन बुद्धि अहंकार त्रिगुण, मन रजोगुण का यहाँ पे कारण प्रतिनिधित्व करता है, हाँ प्रतिनिधित्व करता है, अहंकार तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है, और जो बुद्धि है वो सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस अष्टधा प्रकृति से इस संसार को बनाया, लेकिन वो अष्टधा प्रकृति तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें पराशक्ति नहीं आ रही है, मतलब प्राण नहीं आता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ऐसे समझिए जैसे हमारा ये शरीर है, हमारा ये शरीर परमात्मा की अष्टधा प्रकृति से बना हुआ आविष्कार है, क्या आविष्कार है। ये तब तक इसका विस्तार नहीं हो सकता, ये कुछ कर नहीं सकता जब तक उसमें परमात्मा की पराशक्ति यानी प्राण, वो जीव नहीं है। क्योंकि जैसे ही जीव इस शरीर से निकलता है, ये जो शरीर है शव बन जाता है, और जो अपरा जो पराशक्ति है, जो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, उसको भी अपना अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए अपरा पर यानी अष्टधा प्रकृति इस शरीर पर निर्भर रहना पड़ता है। इन अष्टधा प्रकृति और जीव, माया और जीव को लेके, ये दोनों चीजें जब उस परम ब्रह्म की अध्यक्षता में इस संसार की, माया और जीव वापिस जरा तुलना करो, माया यानी अपरा प्रकृति और जीव यानी परा, परा और अपरा से जब मिलन हो जाता है तब पूरा विश्व या संसार खड़ा हो जाता है। आगे यह विश्व परा और अपरा शक्ति से बनता है, लेकिन वो किसकी अध्यक्षता में? उस परमात्मा की अध्यक्षता में। हमें दिखता तो है कि ये जो सब कुछ बन रहा है वो अष्टधा प्रकृति से अपरा शक्ति है, और जो परा है वो प्राण परमात्मा के अंश जीव से है, लेकिन
आप एक एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि जैसे ताजमहल, आज सब लोग जानते होंगे ताजमहल के बारे में, उसका निर्माता कौन है? शाहजहां। लेकिन उसको बनाने का काम मजदूरों ने किया, कारीगर ने किया, लेकिन नाम किसका है आज? शाहजहां का, क्योंकि उसके बनाने का सामर्थ्य, सोच शाहजहां में, प्रेरणा शाहजहां में थी। क्योंकि उस ताजमहल पर शाहजहां का अस्तित्व है, स्वामित्व है, उनका आधिपत्य है, इसलिए वो उसका कारण, उसका जो श्रेय जाता है, अगर हम उसका पूरा श्रेय दें तो शाहजहां को ही जाता है। वैसे ही ये प्रकृति, वैसे ही ये संसार बना है पराशक्ति और अपराशक्ति से, लेकिन उसका स्वामित्व किसको जाता है? उस परमात्मा को, उस परम ब्रह्म को जाता है। वो चाहे तो उसे रखे, वो चाहे तो उसे मिटा दे। भगवान यही बात बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब मुझसे उत्पन्न हुआ है, देखने के लिए तो ये परा और अपरा शक्ति से बना है, लेकिन इसका अधिपति मैं हूं, तुम इस बात को समझो। और ये शक्ति जब विलय होता है, इसका प्रलय होता है, तो वो भी मुझ में ही विलीन होता है, क्योंकि तो ये इतना सामर्थ्यशाली कोई नहीं है ना कि जो लय हो जाएगा तो वो पचाने के लिए या समाविष्ट करके लेने के लिए यह सृष्टि में या प्रकृति में किसी के पास भी ऐसी क्षमता नहीं है कि ये अपने में समाविष्ट कर सकेंगे। एक में ही शक्ति है, वो है परम ब्रह्म, परब्रह्म। ये परब्रह्म के प्रेरणा से, अभी दीदी ने बताया हमें कि आरती सिंह ने बताया कि शाहजहां, ये जो शाहजहां है उनकी प्रेरणा है, उनकी सोच है, उनकी क्षमता है, उन्होंने सब वो ताजमहल खड़ा होने के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने बांधा नहीं, बांधा मजदूर लोगों ने। और जो ताजमहल खड़ा है वो मटेरियल अलग है, बांधने वाला अलग है, मटेरियल अलग है। बांधने वाले ने बांधने का काम किया, लेकिन जो मटेरियल है उनसे वो बना है, लेकिन उसके ऊपर स्वामित्व किसका? बादशाह का, क्योंकि उनके देश में वो मटेरियल पैदा हुआ है, उनके उन्होंने वो खरीद लिए है, उन्होंने प्रेरणा दी है और उन्होंने सब व्यवस्था करवा के खड़ा किया मजदूर लोगों ने। ये बात सही है, लेकिन मजदूरों को संभालना, पोसना, उनके सुख दुख में समाविष्ट होना या उनको सब ख्याल रखना, ये बादशाह की जिम्मेदारी थी ना, इस कारण स्वामी तो उनके पास गया। वैसे परमात्मा का है कि ये अर्जुन, जब यह सृष्टि का विनाश हो जाता है तो विनाश भी हमारे में ही होता है, ऐसा हम आए आगे चले। जब विनाश होगा तो उसको सिर्फ परमात्मा ही संभाल सकता है, क्योंकि उतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगर उतना सामर्थ्य होता तो कोई और इस प्रकृति को बना सकता था। और एक दूसरा सत्य ये भी है कि जो जिसका अंश होता है वो उसी में जाता है, वो कहीं और नहीं जा सकता। जल है वो अग्नि तत्व में नहीं जा सकती, वो जब भी जाएगी अंततो गतो वो जल में ही जाएगी। जैसे आप सोचिए कि जब हम देखते हैं कि पेड़ से जो फल गिरता है वो पृथ्वी पर ही क्यों आता है, जल, नदियों का जल समुद्र में ही क्यों जाता है, जब हम दीपक लगाते वो लौ ऊपर सूर्य की तरफ ही क्यों जाती है? क्यों? क्योंकि जो जिसका अंश है वो उसी में विलीन होता है। यहां जीव भी पराशक्ति है, उस परमात्मा का अंश है, और अपरा उसकी शक्ति है। तो ये दोनों जब भी जाएंगे परमात्मा में ही मिलेंगे। अब भगवान अर्जुन को जो बात कहना चाहते हैं अगले श्लोक में, वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक माले में अलग अलग तरह के मणि गुथे रहते हैं और वो एक माला बनता है, उसका वो मोती का, उस माले का सूत्रधार धागा होता है, वैसे ही ये संपूर्ण जगत उस मोती की तरह, उस माले उस मोती की तरह गुथा हुआ है, और उसका सूत्रधार कोई है तो वो मैं ही हूँ।
हे अर्जुन, तुम इस बात को समझ लो कि यह संपूर्ण जगत मेरा है और इसमें मैं ही समाया हुआ हूँ, हर कण कण में समाया हुआ हूँ। तो हे अर्जुन, तुम क्या इतना सोच रहे हो? तुम क्यों ये सोच रहे हो कि तुम करता हो और तुम अपने प्रियजनों को युद्ध में मारोगे तो तुम उसके पाप के भागी होगे? जब ये विश्व मेरा है, ये संसार मेरा है और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम शस्त्र उठाओ, युद्ध लड़ो, तो तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी शंका है? जब स्वामी ही बोल रहा है कि इस चीज को तोड़ दो, नष्ट कर दो, तो क्या सोचना? आप जो लोग बैठे हैं और जो रेंट पे रह रहे होंगे वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हम रेंट के भाड़े के घर में रहते हैं तो हमें एक दीवार में एक कील भी ठोकने के लिए अपने मकान मालिक से पूछना पड़ता है। उसकी मर्जी के बिना हमें कीला भी नहीं ठोक सकते। लेकिन अगर वही मकान मालिक मुझे बोले, हमें बोले कि वो दीवार को ही तोड़ दो, तो क्या हम एक बार भी सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस पर मेरा स्वामी तो नहीं है, वो मेरा नहीं है। जिसका है वो ही बोल रहा है करने के लिए, तो उसमें सोचना क्या? यही बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अब खुल के बोल रहे हैं, अपने परब्रह्म स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है और इसे युद्ध में नष्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो तू क्यों सोच रहा है? क्यों नहीं तू शस्त्र उठाता और युद्ध करता? ये प्रसंग से हम क्या सीखेंगे? अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सब पूरे चराचर में रहे। अर्जुन मुझे लग रहा है कि समझेगा उसमें से, लेकिन हम क्या समझेंगे? ये जो सत्संग चल रहा है वो किसके लिए है? अर्जुन के लिए है? हमारे लिए है? हमें आत्मिक उन्नति होना चाहिए, हमें मोक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि 84 लक्ष्य उन्हीं में ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार का पुण्य गठित किया था, संचित किया था, इस कारण हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया। और भगवान ने हमें जरायुज के योनि में, यानी जो अंग से पैदा हो जाता है उसको जरायुज बोला जाता है। अभी दीदी ने बताया, आपको आरती सिंह ने बताया कि प्राणी 4 प्रकार से पैदा हो जाते हैं, उसमें से जरायुज जो शरीर से तैयार हो जाता है, दूसरा प्रकार है अंडज यानी अंडे से निर्माण हो जाता है, तीसरा प्रकार है स्वदेज, स्वदेज यानी पसीना, पसीने से यानी वीर्य से तैयार हो जाता है, और उद्भिज। ये जो 4 प्रकार है, ये 4 प्रकारों से जीव की निर्मिति हो जाती है। उद्भिज यानी जमीन से आ जाता है, कोई भी हमने अनाज डाल दिया जमीन में, बोया कि आपसे आता है ना, उसको उद्भिज बोला जाता है। तो ये जरायुज योनि में हमारा जन्म हो गया है, जरायुज पंथ में हमारा जन्म हो गया और अनेक जन्मों का फल हमारे साधु संतों ने अपने अभंग में लिखा है, नाना सुकृतांत फल तोची नरदेह केवल। ये मराठी में है, इसका अर्थ हिंदी में ऐसा है कि अनेक प्रकार का फल, पुण्य फल हमारे सुकृत में था, इसलिए हमें इंसान का जन्म मिल गया, नरदेह मिल गया है, मनुष्य जन्म मिल गया है। तो मनुष्य जन्म अनेक प्रयास से मिल गया है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहा है कि हर प्राणियों की जिम्मेदारी है स्वरूप ज्ञान करवाना, परम ज्ञान की प्राप्ति करना, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम इंसान नहीं है? हमारी जिम्मेदारी जरूर है, और यह जिम्मेदारी जो जो इंसान आगे ढकलने का प्रयत्न करेगा, आगे कैसे जाएगा वैसा प्रयत्न करेगा, उनको बार बार पुनरूपी जनन,
पुनरुपी मरणम, पुनरुपी जटर शयनम, बार बार हमें माँ के गोद में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन समझेगा, लेकिन हमने समझने की जरूरत है कि हमें जो इंसान का जन्म मिल गया है, ये इंसान का जन्म हमारा व्यर्थ इस वजह से जा रहा है कि हम परा और अपरा, निकृष्ट, अपरा इसका अर्थ है निकृष्ट माध्यम से हमारा जन्म हो गया, और उसमें परा यानी जो चेतना है, प्रेरणा है, इससे हमें हमारे में चेतना आ गई है। तो ये जो शरीर बना है, पंच तत्व और तीन गुण यानी मन, अहंकार और बुद्धि, ये अष्टधा प्रकृति यानी निकृष्ट है, उसका नाश होने वाला है, इस कारण उसको निकृष्ट बोला गया है। तो उससे शरीर मिल गया, यानी समझो मिट्टी, मिट्टी टूटती है फूटती है, वैसा ही शरीर है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, प्रलय होने वाला है, नाश पाने वाला है, तो भी उसको ही हम चिपक के बैठे हैं। हम ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि ये जन्म अभी जो मिल गया है तो ये बॉडी कभी ना कभी हमें छोड़ने वाली है। आज हम इंजीनियर हैं, आज हम डॉक्टर हैं, वैसे जनक राजा को भी भ्रम हुआ था कि हम राजा है, लेकिन उनको जब ख्वाब में उन्होंने देखा कि हम भिखारी हो गए तो उनका भ्रम टूट गया, और वो हर व्यक्ति को पूछने लगा, बताइए कि हमने जो ख्वाब में देखा है वो सच है या अभी हम राजा है वो सच है। ऐसा भ्रम तोड़ने के लिए यह सत्संग है। ये सत्संग में हम आकर ये ढूंढना जरूरी है कि हमें परम ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये जब तक शरीर है, जब तक आपके पास मोटर है, तब तक आप कहाँ भी दूर जा सकते हैं, क्योंकि वो माध्यम है। ये माध्यम हमारे से गया कि हम इतने पैदल नहीं जा सकते, जहाँ हमें जाने का है वहाँ पहुँचने के लिए ये जैसे माध्यम, मोटर गाड़ी माध्यम है, वैसे शरीर समझो इंजन है, मोटर है, और ये शरीर में जब तक हम है तब तक परम गति हमें कैसी मिलेगी, परम ज्ञान कैसे मिल जाएगा, ये सोचना आवश्यक है। मुझे लगता है हम हर सत्संग में कुछ ना कुछ लेना चाहते कि हमें कुछ मिलना चाहिए, तो मेरा तो प्रामाणिक कहना ऐसा है कि ये सत्संग में हमने ये लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि ये अर्जुन आपको परम गति मिलनी आवश्यक है। युद्ध तो आप करेंगे, लेकिन परम गति तक पहुंचना ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपका ध्येय रहना चाहिए। और परम गति तक पहुंचने का है तो आप क्यों चिंताग्रस्त है। अभी यह दीदी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था, आरती जी ने, कि हम किराए पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, जो मकान में रहते हैं वो मकान में कुछ हमें सुधार करने का है तो मालिक के पूर्व परवानगी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, एक किला भी हम दीवार पर लगा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने परमिशन दी, तोड़ दो दीवार। आपको ऐड एक मालूम है ना, सीमेंट की ऐड आती है, वैसे तोड़ दो दीवार, ऐसे उन्होंने हमें परमिशन दी तो उसमें दिक्कत क्या है। ये समझना आवश्यक है। हम लोग आज जो गद्दी पर हैं तो हमने यही सोचा था कि भगवान का यह देह है, भगवान ने निर्माण किया है देह, तो हमारी जिम्मेदारी जिन्होंने यह देह दिया है उनको ढूंढना, यानी परम गति मिलवाना। जब परम गति मिल जाती है तो संसार छोड़ने की जरूरत नहीं रहती। हमने कहाँ संसार छोड़ दिया है, आज भी हम संसार करते हैं, लेकिन कौन करता है संसार, ये शरीर, हम अलग ही है। जब परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हमें इंजीनियरिंग, यानी हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम शास्त्रज्ञ हैं, हम अमीर हैं, ये कौन सी भी उपाधि बीच में आएगी नहीं और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं कि आज आप जो जो उपाधि पे खड़े हैं
या जो जो उपाधि आप लगा रहे हैं वो हमारे से दूर जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। वो उपाधि में रहकर भी हम परम ज्ञान मिलवा सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी है ये परम ज्ञान क्यों नहीं होते। हमें परम ज्ञान की अभिलाषा मन में रहती है तो भी हम पीछे क्यों आते हैं? उसका जवाब भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि ये प्रकृति जो है अष्टदा प्रकृति है, ये अष्टदा प्रकृति में आप तेज आकाश आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल पानी जो पांच तत्व है, ये पांच तत्व में और तीन चीज है मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन में इंसान फंस जाता है। तो ये तीन चीज कंट्रोल करने के लिए हमने हर दिन भक्ति करने के लिए बताया, 10 मिनट ये मन को भक्ति को लगाइए, और जब मन ये भक्ति में समरस हो जाएगा समर्पित हो जाएगा तो आपसे आप अहंकार जो है वो निकल जाएगा, आपसे आप अहंकार पराजित हो जाएगा। और अहंकार जब पराजित हो जाता है तब समझ में आता है कि अरे हम कितने हैं, इतने छोटे से हम हैं, और वो प्रभु कितना बड़ा है, उन्होंने पूरे चराचर निर्माण किया है, हमें वो आपके इशारे पर कठपुतली जैसे नाचाता है तो भी उसका श्रेय वो लेता नहीं है, और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है तो भी हमारे दादागिरी कितनी है, हमें घमंड कितने हैं, हमें अहंकार कितना है वो समझेगा। इसलिए हर दिन हमारे मन को एक हमने पाठ दिया है, उसको ग्रह पाठ बोलेंगे, कि वो पाठ क्या है, 10 मिनट निकाल कर नामस्मरण करो, और कभी भी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यह बुरा करने की अपेक्षा इच्छा हमें कौन देता है? अहंकार। तो ये अहंकार को जीतना और परम गति तक पहुंचना, गंतव्य तक हमने पहुंचना, ये आज के सत्संग से हमने लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अगले सत्संग में भगवान कृष्ण अर्जुन को जो अभी मार्गदर्शन किया है तो अर्जुन का कुछ उसके ऊपर प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न क्या है वो सुनने के लिए अगले सत्संग में जरूर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काढ़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आदि जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्री वल्लभ रामचंद्र की जय।